हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी मस्त हूँ। मैं बहुत दिनों से ब्लॉग वीडियो नहीं बना रही थी, यानी कि लॉन्ग वीडियो, छोटा वीडियो बना रही थी जैसे तैसे। तो आज मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो बना रही हूँ, तो आप सब पूरा ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा। और आज का ब्लॉग में स्पेशल होने वाला है, तो क्या स्पेशल होने वाला है वो आप सभी को खुद ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप सब पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और अभी ना सुबह का 10 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर सरसों झाड़ रही हूँ। थोड़ा सा सरसों मैं लेके आई थी खेत से, तो ये अच्छे से नहीं सूखा है, तो जो भी सूखा था उनका दाना झड़ गया है, और जो अच्छे से नहीं सूखा है उनका उसी में फल बाकी है, तो बाद में सूख जाएगा, उसके बाद में मैं झाड़ूंगी। तो एक बार झाड़ दी हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए। और अभी उनको थोड़ा सा वो लकड़ी से मैं पिटाई कर दी और वो बहुत ही आसानी से झड़ जाता है। सरसों को झाड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं लगता है। तो अभी मैं उनका जो छिलका सब है वही सब हटा दे रही हूँ। और आज ना काफ़ी ज़्यादा धूप लग रहा है, इतना ज़्यादा कि लग रहा है कि गर्मी का मौसम आ गया। और आजकल धूप बढ़ जाता लेकिन वो हवा चलता है, ठंडी हवाएं, तो धूप का एहसास नहीं होता है। वरना अगर हवा आज नहीं है तो काफ़ी गर्मी लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे सरसों का छिलका हटा के साफ कर दी हूँ और मेरा सूप भी फट गया है और अच्छे से फटकने के लिए नहीं बन रहा है। तो अभी देखिए साफ करके मैं इसको धूप पे ही छोड़ दे रही हूँ, अच्छे से सूख जाएगा। और अभी मैं सामने से आप सभी को दिखा रही हूँ, तो इतना सरसों में ना इतना दाना निकला है, मतलब बहुत निकला है, जितना नहीं था उतना। और इसमें मिट्टी सब है क्योंकि मैं उखाड़ के लाई थी, इसीलिए अगर काट के लाती तो मिट्टी नहीं होता है उसमें, साफ़ सुथरा होता है। और यहाँ देखिए मैं आज घर पे फुचका बनाई हुई हूँ, गोलगप्पा आप लोग जो भी कहते हैं। और अभी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि फुचका कहने में आसान है पर बनाना आसान नहीं है। मैं लगातार 5-6 दिन से बना रही थी पर अच्छे से नहीं बन रहा था, तो आज आज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। और ये तंदूरी आटा का है और गेहूं के आटे से भी मैं बनाती थी, डेली बना बना के सीखती थी, तो अब लग रहा है कि अब सीख जा रही हूँ धीरे धीरे। तो कोई भी काम ना एक बार में नहीं होता है, अगर करते रहते हैं तो धीरे धीरे हो ही जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं अभी गिनती लगा रही, मतलब 6-6 पीस करके साइड साइड में रख रही हूँ, तो कितना होता है देखते हैं। और मैं सोच रही थी कि फुचका बना ना सीख जाऊंगी तो मैं भी अपना दुकान करूंगी, पर अब देखती हूँ, सीख रही हूँ धीरे धीरे। और आजकल गर्मी का सीज़न है तो अगर नहीं भी बेचूंगी तो अपना खाने के लिए तो बना सकती हूँ घर पे। और ये ना बिल्कुल थोड़ा सा आटा का है और इतना सारा हुआ, तो 1 केजी या फिर आधा केजी आटा का बनाते तो शायद कितना होता, तो मतलब 200 ग्राम के आसपास था आटा और सूजी मिला करके। तो अभी मैं गिनती कर दी हूँ और पपड़ी बहुत ही कम पपड़ी निकला हुआ है, तो देखिए 10 10 जगह रखी हुई हूँ मैं, 10 खेजा। हम लोग के साइड ऐसे खेजा बोलते हैं, कोई भी सब्जी को ऐसे ही खेजा खेजा लगाते हैं, 10-20 का थोड़ा मोड़ा रहता है उसको, तो उसी प्रकार से मैं भी खेजा खेजा लगा दी हूँ और 10 खेजा हो गया है। यानी कि 10 रुपये के हिसाब से करेंगे ना तो 100 रुपया हो जाएगा। और पीस पीस में 60 पीस है। और यहाँ थाली में जो है वो पापड़ी है, और पापड़ी भी बहुत ही अच्छा खस्ता बना हुआ था। और यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा दे रही हूँ,
और बहुत ही अच्छा दिख रहा है मुझे तो। और फुचका तो मैं बनाई, लेकिन मेरे पास ना इमली नहीं है तो फिर पानी नहीं बना पाई। और ऐसे ही फुचका को रख दूंगी मैं, और किसी दिन मार्केट से या फिर फुचका वाला आएगा तो पानी खरीद लूंगी और फिर मैं अपना ही फुचका खाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को सामने से दिखा दे रही हूँ कितना अच्छा करारा बना हुआ है। और अभी मैं आप सबको ना खा करके भी दिखाऊंगी, तो इनका करारापन आप लोग सुनिए। तो फ्रेंड मैं इधर आप सभी को मेरा फुचका का करारापन दिखा दी, तोड़ के भी दिखाई, खा करके भी दिखाई। और उधर मेरा चूल्हा भी था, मतलब जस्ट अभी अभी उतारी थी। और इधर देखिए लकड़ी रखने के लिए मैं यहाँ पर मचान टाइप का बनाई हुई हूँ। नीचे रखने से ना दीमक खा देता है काठी को, मतलब लकड़ी को, और एक भी नहीं बचता है, इसीलिए मैं ऊंचाई बना के रखूंगी लकड़ी को। तो फ्रेंड आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आप सभी को, आशा करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बताइएगा। और आज का वीडियो इतना ही, बाय बाय।